नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जन जागृत चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज में रिपेयरिंग करने के लिए खोदे गए गड्ढे के कारण लगा हुआ जाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, नगर पंचायत भारतगंज का टाउन एरिया जो या बस अड्डा का मैं दिखा रहा हूँ, इस बस अड्डे के सीन को आप देखिए। यहाँ पर इस टाइम जो रिपेयरिंग करने के लिए गड्ढे खोदे गए हैं, जिसके वजह से गाड़ियाँ काफ़ी दिक्कत का सामना कर रही हैं, झेल रही हैं दिक्कतें, उनको आने जाने में दिक्कतें हो रही हैं। क्यों गड़ा हुआ था? पानी पाइप खराब रहा होगा। कितने दिन से? 3-4 दिन हो गया होगा। गड़ा 3-4 दिन से हो गया? हाँ। चौथा दिन है? तीसरा दिन है। तीसरा दिन है? हाँ। कोई कह रहा चौथा दिन, कोई तीसरा दिन? नहीं, तीसरा दिन है। क्या नाम आपका? आजम। यहीं रहने वाले हैं? अच्छा, तो जिस समस्या के लिए खोदा गया था वो समस्या दूर हो गई? हाँ, दूर हो गया है। क्या निकला इसमें? पाइप फटा हुआ था, वो एयरटेल वाला पाइप डाला था ना इसमें। एयरटेल? हाँ, एयरटेल वाला, उसको भी चेक कर दिया। केबल वाले ने? केबल वाले ने। तो वो क्या गया, तो पाइप जो बदला गया कि उसी रिपेयर किया गया? पाइप बदला गया। बदला गया है जी। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रयागराज के नगर पंचायत भारतगंज में इस टाइम दिखा रहा हूँ आपको। पहले भी खबर को मैं आपको दिखा चुका हूँ, अवगत कराया जा चुका है कि यहाँ पर लीकेज होने की वजह से 2-3 गड्ढे किए गए थे, जो कि लोग ने कंप्लेन किया था लोगों ने कि गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी पीने से तमाम बीमारियाँ पैदा हो रही हैं। इसी को संज्ञान में लेते हुए नगर पंचायत भारतगंज के अधिशासी अधिकारी व यहाँ के जो चेयरमैन पर्सन है, उन लोगों ने इस चीज़ को दूर करने के लिए, रिपेयरिंग कराने के लिए गड्ढा कराया गया था रोड के ऊपर। जिस तरह आपको दिखा रहा हूँ, 3 गड्ढे थे, आगे 2 गड्ढे के जो निशान दिखाई दे रहे हैं वो हालांकि फिलहाल पड़ चुके हैं, मिट्टी गिराया जा चुका हुआ है। आज तीसरा गड्ढा, जो कि सबसे बड़ा गड्ढा था और लीकेज इसी में मिला, पाइप की रिपेयरिंग किया गया है। यहाँ बैठे हुए नगर पंचायत कार्यालय के कुछ कार्यकर्ता का, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूँ, बात करूंगा। यहाँ पर मौजूद हमारे 2 लोग जिम्मेदार पर्सन में से 2 लोग बैठे हुए हैं जी। आज का जो अभी जो आप पटवा रहे हैं गड्ढे को, इसके बारे में बताएं कि क्या काम पूरा हो गया? काम पूरा हो गया है, नीचे का ऊपर से काम चल रहा है। नीचे काम क्या था? नीचे काम पाइपलाइन टूट गई थी, बन गई। पाइपलाइन टूटा था, बन गई है। अब ऊपर क्या काम बच गया है? अब ऊपर काम कटना है, जेसीबी भी आएगी और काटेगी। अच्छा अच्छा, सुधार होगा। ये मकान चेयरमैन के अथक प्रयास से। अच्छा अच्छा, चेयरमैन साहब को श्रेय आप लोग दे रहे हैं, क्या कहेंगे आप? चेयरमैन साहब बहुत सुंदर काम और टाइल्स कराया, काम हुआ। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक। जैसा बता रहे हैं, हर वार्ड में टैंकर टू टैंकर, हर वार्ड में कल भी परसों भी गया और कोई चीज समस्या नहीं। समस्या नहीं हुई? नहीं, कुछ तो हाहाकार मचा होगा। हाँ, कुछ मतलब गर्मी की वजह से हुआ, मगर ना कर्मचारी वो थे कि जहाँ से फोन है तुरंत वहाँ टैंकर ले पहुँच जाए, जिस वार्ड से। अच्छा अच्छा, यानी ये समस्या जो थी लीकेज के दूर करने के लिए जो गड्ढे खोदे गए थे, पानी अवरुद्ध हुआ था, उसको पूर्ति आप लोगों ने टैंकर द्वारा किया? जी जी। और वहाँ से पानी भी सुबह मिलने लगा। अच्छा, पानी मिलना शुरू हो गया। ये बात है, लेकिन एक दिक्कत थी, रास्ता अवरुद्ध था। रास्ता भी 1 घंटे बाद चालू हो जाएगा। 1 घंटे बाद भी चालू हो जा रहा है जी। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर हमने बात किया, 2 लोग मौजूद थे नगर पंचायत कार्यालय से, हमारे नगर पंचायत भारतगंज से, जो उन लोगों ने इस बात की जानकारी पुष्टि की है कि यहाँ पर जो हमारे चेयरमैन साहब हैं, ये श्रेय उनको जाता है कि बहुत ही जल्द, बहुत जल्दी सुनवाई करते हैं उस काम को लेके। और रिस्क भी था यहाँ पर काम कराना, मेन रोड यही मेन रोड है, यातायात जो हमेशा यहाँ पर चालू रहता है, ये मेन प्रतापपुर डीपी मार्ग कहा जाता है, जो कि ये मांडा रोड से कोराव को जोड़ता है ये रास्ता। इस समय आप देख रहे हैं हालात क्या है, कि कुछ गाड़ी वाले जबरदस्ती भी करने का प्रयास कर रहे हैं जाने के लिए इसी पे से। देखिए आप देख सकते हैं। धन्यवाद। जन जागृत न्यूज चैनल से मैं इस्लाम अंसारी, नगर पंचायत भारतगंज से। इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।